हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक का सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (CPM). इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 110। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे स्टेट PSC एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर एंड SSC JE एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। एट अ वर्क साइट स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कॉन्क्रीट मीन्स। वर्क साइट पे कॉन्क्रीट की स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ रिस्क टू एलिमिनेट फेलियर्स, ऑप्शन बी अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सैंपल टेस्टिंग और इंस्पेक्शंस, ऑप्शन सी रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड ऑप्शन डी रिडक्शन इन कॉस्ट फॉर रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। कॉन्क्रीट की क्वालिटी कंट्रोल करना है वर्क साइट पे, ठीक है। कास्ट इन सीटू अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इंस्पेक्ट कॉन्क्रीट सैंपल, ठीक है। कॉन्क्रीट है, उसके सैंपल्स होंगे, उसके कुछ सैंपल्स को हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर की या पूरे मटेरियल की हम क्वालिटी चेक नहीं कर सकते फील्ड पे, तो हम उसके कुछ सैंपल्स होते हैं और उन सैंपल्स में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन होगा बी अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सैंपल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन, ठीक है। सैंपल की टेस्टिंग भी करना हो या इंस्पेक्शन करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम, और कुछ हम सैंपल्स लेंगे और उनकी हम टेस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 इन इंडिया आर प्रीफैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स कॉस्टलियर देन दोज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट इन सीटू आइटम्स डेट द प्रीफैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स रिप्लेस। इंडिया में प्रीफैब्रिकेटेड और ट्रेडिशनल कास्ट इन सीटू, इनमें आपको कंपैरिजन करना है, तो हम देख लेते समझते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शन डिस्कस करेंगे। एक होता है प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा कास्ट इन सीटू, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कंस्ट्रक्शन की। तो इंडिया में प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स कॉस्टलियर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? प्री फेब्रिकेटेड का मतलब होगा कि इनको फैक्ट्रीज में या वर्कशॉप में बनाया जाता है ऐसे कंपोनेंट्स को, और उन कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल करके फिर जो साइट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है उस साइट पर ये असेंबल कंपोनेंट्स ले जाते हैं, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को बना दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फील्ड पे बहुत कम काम करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट्स वर्कशॉप में बन जाते हैं या फैक्ट्रीज में बनते हैं। सेकेंड यहाँ पर होती है कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा कि टाइम स्पेंट ड्यू टू बैड वेदर, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उसमें जो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि साइट पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे अगर मौसम अच्छा नहीं है। द कंस्ट्रक्शन साइट इंक्रीजेस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी और कंप्लीशन टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि जो प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉस्टलियर नहीं होते, वो इकोनॉमिकल होंगे देन दोस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट इन सीटू आइटम्स। जो हम कास्ट इन सीटू, जो साइट पर कास्ट करते हैं, उसके कंपेयर में प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स कॉस्टलियर नहीं होते हैं। बिकॉज एक और कारण इसका क्या हो जाएगा, एक तो हमने देख लिया है बैड वेदर, ठीक है, अगर मौसम अच्छा नहीं होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमने डिस्कस किया। सेकेंड, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। प्री फेब्रिकेटेड में क्या होगा कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है एलिमेंट्स का वो रिपीटेटिव है, तो उसके कारण भी प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स इकोनॉमिकल होंगे ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स से, ट्रेडिशनल कास्ट इन सीटू से। क्वेश्चन नंबर 102 इन इंडिया आर प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स कॉस्टलियर देन दोस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट इन सीटू आइटम्स। तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर नो। आइटम्स डेट द प्री फेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स रिप्लेस, क्यों रिप्लेस करते? बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क इज गिवन टू अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में 10% दिया जाता है जो भी वर्क की कॉस्ट होगी। मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो उसमें से 10% 10% कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में दिया जाता है, जिसको कि मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं, अप टू 10% 10% मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोबिलाइजेशन एडवांस 10% दिया जाता है जो भी टेंडर्ड अमाउंट है, शेल बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। मोबिलाइजेशन एडवांस इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट साइट ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलता है तो उस टेंडर में हम क्या करते हैं कि उसको 10% हम, मतलब जो भी वो डिपार्टमेंट होगा, जिस डिपार्टमेंट का उसको टेंडर मिला है, तो 10% मैक्सिमम उसको एडवांस दिया जाता है, मोबिलाइजेशन एडवांस। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर उस साइट पर वर्क करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो इस 10% से वो वर्क को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसको 10% अप टू 10% एडवांस में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन डी, फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट साइट ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइनल होने के बाद, जब उसको वो टेंडर फाइनली उसको अलॉट हो गया है, तो फिर उसको सभी एक्टिविटीज़ को रिक्वायर्ड स्टार्ट करने के लिए 10% मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड एट 5% फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स बिल इज़। कॉन्ट्रैक्टर के बिल से 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए, रिफंडेड व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन बी, रिफंडेड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क प्रोवाइडेड गुड प्रोग्रेस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन सी, रिटेन्ड टिल द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ से 100 years and spent for maintenance. And option D, refunded when the defect liability period of 6 months or 1 monsoon whichever is later is over. ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर को कब वापस करते हैं, कब हम रिफंड करते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड 5%, ये भी आपको वैल्यू याद रखना, ये भी पूछ लेते कितनी होती, 5%। कॉन्ट्रैक्टर बिल्स इज रिफंडेड When the defect liability period of 6 month or 1 monsoon whichever is later. दोनों में से, जैसे कि defected liability period 6 month है या 1 मानसून जो सीजन होगा, इन दोनों में से जो भी लेटर है, ठीक है, उसमें हम फिर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड कर देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि कितना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5% कॉन्ट्रैक्टर से डिपॉजिट किया जाता है और उसको रिफंड किया जाता है। कब रिफंड करते हैं? डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 6 month और 1 मानसून विच इज लेटर। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिफंडेड व्हेन द डिफेक्टेड लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 6 month और 1 मानसून विच इज लेटर इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, सिंकिंग फंड इज। सिंकिंग फंड से रिलेटेड हमने फॉर्मूले भी देखे हैं। ठीक है, सिंकिंग फंड से रिलेटेड फॉर्मूले हमने कुछ, इससे जो पहले वाले वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किए थे। ऑप्शन ए, द फंड फॉर रीबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज़ ओवर। जब बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ ओवर हो जाती है तो उसको रीबिल्ड करने के लिए जो फंड होता है उसको सिंकिंग फंड कहते हैं। ऑप्शन बी, रेस्ड टू मीट मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट को मेंटेनेंस करने के लिए जो कॉस्ट को रेस किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो सिंकिंग फंड होगा। द टोटल सम टू बी पेड टू म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ बाय द टेनेंट्स। ठीक है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को जो पे किया जाता है उसका टोटल सम होगा। या ऑप्शन डी, अ पार्ट ऑफ द मनी केप्ट इन रिजर्व फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। तो ये मनी जो कि अगर हमें एडिशनल स्ट्रक्चर बनाना है या उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए जो रिजर्व की जाती है उसको हम सिंकिंग फंड कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगी डेफिनेशन? सिंकिंग फंड इज़ अ फंड डेट इज़ बिल्ट अप फॉर द सोल पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी when it loses its utility either at the end of its useful life। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होगा कि कोई प्रॉपर्टी है या स्ट्रक्चर है, उसकी लाइफ जो भी यूज़फुल लाइफ होगी, मान लीजिए 15 ईयर्स हैं, ठीक है, 15 ईयर्स हो सकती है, 20 ईयर्स, जो भी उसकी यूज़फुल लाइफ होगी, तो उस यूज़फुल लाइफ में हम क्या करते हैं कि हर मंथ में डिपॉजिट करते जाते हैं अमाउंट, और उसकी यूज़फुल लाइफ में जैसे कि 15 ईयर्स हैं तो 15 ईयर्स में इतना पैसा कलेक्ट हो जाए, इतना पैसा हम डिपॉजिट कर लें जिससे कि 15 साल के बाद में उस प्रॉपर्टी को या उस स्ट्रक्चर को हम रिप्लेस कर सकें या रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें। उस फंड को कहा जाता है सिंकिंग फंड। द फंड इज़ रेगुलरली डिपॉजिटेड इन बैंक, या तो बैंक में हम डिपॉजिट कर सकते हैं, आर विथ एन इंश्योरेंस एजेंसी, सो डेट वन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग अ सफिशेंट अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर इट्स रिप्लेसमेंट आर रिकन्स्ट्रक्शन। तो उस स्ट्रक्चर की लाइफ जब पूरी होगी उसके बाद में हमारे पास इतना फंड कलेक्ट हम कर लेते हैं, इतना डिपॉजिट कर लेते हैं कि उस जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्लेस कर सकें या रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द फंड फॉर रीबिल्डिंग अ स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज़ ओवर, ये डेफिनेशन है सिंकिंग फंड की। क्वेश्चन नंबर 106, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, इन्वेस्ट हिज मनी इन प्रोजेक्ट ए। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर के पास कि वो इसकी जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर सकता है प्रोजेक्ट ए में, और सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें। इफ़ ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन ए, अगर वो डिसाइड कर रहा है कि उसको प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना है, फॉर एवरी रूपी इन्वेस्टेड ही इज़ एश्योर्ड ऑफ डबलिंग हिज मनी इन 10 ईयर्स। अगर वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर तो 10 साल में उसकी मनी डबल हो जाती है। मान लीजिए उसने पी इन्वेस्ट किया है तो 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा, 2P के बराबर। इफ़ ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन बी, अगर वो बी में डिसाइड करता है कि बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, ही इज़ एश्योर्ड ऑफ मेकिंग हिज मनी 1.5 टाइम्स इन 5 ईयर्स। मतलब अगर मनी पी है तो 5 साल में उसकी हो जाएगी 1.5P, फिर नेक्स्ट 5 ईयर में हो जाएगी 1.5P इंटू 1.5P, ये हो जाएगी 2.25P 10 ईयर्स में। मतलब प्रोजेक्ट ए में उसकी मनी पहले P थी, 10 साल में 2P हो गई, सेकेंड प्रोजेक्ट में मनी कितनी थी, सेकेंड प्रोजेक्ट में P मनी को इन्वेस्ट किया है तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, 2.25। इफ़ ही डिसाइड्स, ये हो गया कंप्लीट मनी। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर वैल्यूज़ हिज मनी एट 10% इंटरेस्ट रेट, अगर थर्ड उसके पास एक और ऑप्शन है कि उसकी जो मनी है अगर वो इंटरेस्ट पे देता है तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, तो वो क्या करना चाहिए उसको, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर अगर इन्वेस्ट करता प्रोजेक्ट ए में तो 10 साल में जो अमाउंट पी है वो कितना हो जाएगा, डबल। प्रोजेक्ट बी में, ये बी है, प्रोजेक्ट बी में अगर इन्वेस्ट करता है तो 5 साल में मनी 1.5 होगी, नेक्स्ट 5 ईयर में 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2.25P इन 10 ईयर्स। 10% इंटरेस्ट है पर एनम, तो उसकी मनी 10 साल में कितनी हो जाएगी, P 1 प्लस 10% का मतलब 0.1, तो उसकी मनी होगी 2.59 टाइम्स P आफ्टर 10 ईयर्स। तो अब उसको किस में प्रॉफिट हो रहा है, तीनों को अगर कंपेयर करेंगे, 10 साल में मनी 2P, 2.25P और 2.593P। हैंस ही शुड नॉट इन्वेस्ट इन आइदर ऑफ टू प्रोजेक्ट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट जो 10% है उससे उसकी मनी ज़्यादा हो जाएगी इन दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बजाय। अगर वो 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो उसकी मनी ज़्यादा होगी, इसलिए वो क्या करेगा, शुड इन्वेस्ट इन नाइदर ऑफ द टू प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए, किसी भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 107, देयर आर 3 पैरेलल पाथ्स इन अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क बिटवीन अ ब्रस्टिंग नोड एंड द नेक्स्ट मर्जिंग नोड विथ ओनली 1 एक्टिविटी इन ईच पाथ। तो ब्रस्टिंग नोड मैंने आपको CPM के हमने जो वीडियोस डिस्कस किए हैं गुप्ता एंड गुप्ता के, उसमें मैंने आपको समझाया था ब्रस्टिंग नोड का मतलब क्या होता है और मर्जिंग का मतलब क्या होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ डमी एरोस नीडेड विल बी, डमी एरोस, ठीक है, जो कि टाइम या कोई रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करता है, उस एक्टिविटी को, उस एरो को हम कहेंगे डमी एरोस या डमी एक्टिविटी। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है देयर आर 3 पैरेलल पाथ इन अ पार्ट ऑफ नेटवर्क बिटवीन अ ब्रस्टिंग नोड, एक नोड है, ब्रस्टिंग नोड है, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ब्रस्ट हो रही है, लीव हो रही है, तो 3 पैरेलल पाथ, ये 3 हो गई, एक एक्टिविटी ए है, एक बी है, एक सी है। एंड द नेक्स्ट मर्जिंग नोड विथ ओनली 1 एक्टिविटी, तो अगर ये एक मर्जिंग नोड है तो यहाँ पर एक्टिविटी एक ही है, मर्ज हो रही है, ये एक्टिविटी मर्ज हो गई एक। तो इस नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी डमी एक्टिविटी यूज़ होगी? एक यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा नोड, एक नोड यहाँ पर होगा, और ये नेटवर्क। नेटवर्क का लॉजिक क्या होता है कि उसमें जो लास्ट नोड होता है वहाँ पर जाकर सभी एक्टिविटी मर्ज हो जाए। तो यहाँ पर ये डमी एक्टिविटी 2 डमी एक्टिविटी, मिनिमम नंबर कितने होंगे डमी एक्टिविटी के? 2 डमी एक्टिविटी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, देख सकते हो ब्रस्टिंग नोड है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 108, लिस्ट 1 एक्टिविटी टाइप्स एंड लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिविटी। ऑप्शन ए, सॉरी, इसमें लिस्ट 1 में ए, क्रिटिकल एक्टिविटी टू बी क्रेज्ड फर्स्ट टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे क्वेश्चंस तो ये आपको इजी लगेंगे, क्योंकि ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, डमी एक्टिविटी किसे कहते हैं, सब क्रिटिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, ठीक है, एक बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस टेबल को अरेंज करेंगे। डमी एक्टिविटी नाइदर कंज्यूम्स एनी टाइम नॉर रिसोर्सेज, डमी एक्टिविटी होती है वो ना तो कोई टाइम कंज्यूम करती है और ना ही रिसोर्स। अब एक्टिविटी एक सुपर क्रिटिकल होगी, क्रिटिकल होगी और सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल में टोटल फ्लोट नेगेटिव होता है या लेस देन 0 होगा। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज़ लेस देन दी एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम जो है, अगर कोई मान लो एक्टिविटी 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है हमारे पास उस एक्टिविटी को करने में वो कम है, सपोज वो कितना है 8 डेज, तो हमारे पास टाइम उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का हमारे पास 8 दिन है, बट वो एक्टिविटी कंप्लीट होती है 10 दिन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम अवेलेबल हमारे पास कम है, उस एक्टिविटी को हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल। सच एक्टिविटीज़ डिमांड स्पेशल अटेंशन, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास तो स्पेशल अटेंशन की डिमांड होगी इस एक्टिविटी पे। बिकॉज अवेलेबल टाइम इज़ लेस देन रिक्वायर्ड टाइम, हैंस दिस आर टर्म्ड एज सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल में बराबर होगा टाइम, मैक्सिमम अवेलेबल और एक्टिविटी का जो टाइम है। सब क्रिटिकल में क्या होगा, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज़ मोर देन द एक्टिविटी टाइम, कोई एक्टिविटी अगर 10 डेज में कंप्लीट कर हो रही है, ठीक है, एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है 10 डेज, हमारे पास टाइम अवेलेबल है 15 डेज, तो हम 5 डेज डिले कर सकते हैं उस एक्टिविटी को स्टार्ट या फिनिश में, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम अधिक है। डिमांडिंग नॉर्मल अटेंशन बट अलाउिंग सम फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो इस एक्टिविटी को करने में हमें नॉर्मल अटेंशन लगेगा क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। अगर हमें क्रेज करना है किसी क्रिटिकल एक्टिविटी को तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, वो भी एक क्वेश्चन था, उसका भी हमने सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन हमने समझा था। हम क्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसका जो कॉस्ट स्लोप है वो लिस्ट है, मिनिमम होगा कॉस्ट स्लोप, उसको पहले हम क्रेस्ड करेंगे उस क्रिटिकल एक्टिविटी को, ठीक है। पहले तो हम क्या देखेंगे, नेटवर्क में हम क्रिटिकल पाथ देखते हैं, क्रिटिकल पाथ, उस क्रिटिकल पाथ में सबसे पहले उस क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रेस किया जाता है जिसका कॉस्ट स्लोप क्या होगा, मिनिमम होगा, लिस्ट होगा। तो ए के लिए करेक्ट हो जाएगा 2। क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट हैज़ नो फ्लोट। 4, क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, फ्लोट कितना होगा, 0। डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी इट मेंटेन्स लॉजिक ऑफ नेटवर्क, डमी एक्टिविटी का काम सिर्फ क्या होता है, वो लॉजिक को मेंटेन करके रखती है। इसमें टाइम या रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। सब क्रिटिकल एक्टिविटी इट हैज़ फ्लोट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 2431। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ है 7.17 इंडिकेट्स अ प्रोजेक्ट नेटवर्क, एक प्रोजेक्ट नेटवर्क को इंडिकेट कर रहा है फिगर। द नंबर ऑफ अबाउ ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन इन डेज। ये एक्टिविटी 1 है तो इसके ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है नॉर्मल ड्यूरेशन एक्टिविटी का 1, बी के ऊपर ये है 2 डेज, ठीक है। इस तरीके से एक्टिविटी के ऊपर उसका नॉर्मल ड्यूरेशन गिवन है। क्रिटिकल पाथ बताना है क्या होगा, तो क्रिटिकल पाथ के लिए हम क्या करते हैं लॉन्गेस्ट पाथ होगा टाइम वाइज, वो आपको निकालना है। तो ए से स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग इवेंट है, ये एंड इवेंट है, फाइनल इवेंट लास्ट इवेंट है। तो 1 से 8 तक आपको देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, एक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 7, 7 से 8, इस तरीके से आप जा सकते हो 8 में। इन सभी को ऐड कर लो, 1 + 2 + 4 + 8 + 10, एक तो ये हो सकता है पाथ। सेकेंड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, ये क्रिटिकल पाथ हो सकता है। इसमें भी अगेन वही करना, आपको जो जो एक्टिविटी आएगी उसके ऊपर जो नॉर्मल ड्यूरेशन उसको ऐड करना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 7, 8, एक ये क्रिटिकल पाथ हो सकता है। एक क्रिटिकल पाथ 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब आपको यहाँ पर देखना है इन सभी एक्टिविटी के नॉर्मल ड्यूरेशन को ऐड करके, ठीक है। एक तो ये मेथड हो जाएगी सबसे सिंपल। तो अगर आप ये वाला पाथ देखोगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7 और 7 से 8, तो कितना टाइम होगा 1 + 3 + 7 + 9 + 10, ये हो जाएगा 30 डेज। तो टाइम वाइज देखोगे तो 30 दिन लगेंगे इस पाथ को, अगर इस पाथ से हम देखेंगे तो नेटवर्क के एंड तक, और ये मैक्सिमम होगा। अगर आप दूसरे भी कैलकुलेट करोगे तो वो कम आएगी वैल्यू, सबसे ज़्यादा किस में आएगी ऑप्शन बी वाले पाथ में, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एक तो ये मेथड हो जाएगी। सेकंड हम देख लेते हैं स्लैक निकालते हैं, ठीक है। स्लैक जहाँ पर 0 होगा जिस इवेंट पे, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी क्रिटिकल एक्टिविटी। अब स्लैक कैसे निकालते ये भी समझ लो, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक्टिविटी ये नोड 1 है, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे हम तो ये टाइम 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरेशन कितना है एक्टिविटी ए का 1, तो ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सिंपल आपको ऐड करते जाना है। 2 से 3 में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 डे के बाद में स्टार्ट होगी ये एक्टिविटी बी, और 2 दिन लगेंगे एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने में। तो टोटल यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 0 हमने लिख लिया, 1 लिखा है, 3 लिखा है। अब 2 से 4 जाएंगे तो ये 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से आपको ऐड करके जाना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि इस नोड की हम बात करते 6, तो यहाँ पर 2 एक्टिविटी मर्ज हो रही, एक ये एक्टिविटी ई और एक ये एक्टिविटी, ठीक है। तो अब टाइम कौन सा लिखना है आपको, तो 3 + 4 करेंगे तो ये 7 होगा, और यहाँ पर 4 + 6 करेंगे तो ये आएगा 10, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होगा वो आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि 10 डेज पे क्या होगा कि ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी इस नोड के पहले। ये 6 के पहले ये वाली एक्टिविटी और ये एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम ये 6 से स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को, ठीक है। अब लास्ट से हम देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आप कंप्लीट कर लोगे, तो ये कंप्लीट हो गया 30 डेज। अब 30 हमने लिखा, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना है और ये माइनस करते जाना है। 30 डेज - 10, तो ये 20 करोगे आप, जो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। 20 - 9, तो ये 11 आएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट रिवर्स डायरेक्शन में जब आते हैं, तो जैसे 6 है, 6 - 2, और यहाँ से देखेंगे तो 4 - 3, तो जो मिनिमम होगा वो आपको लेना है, तो ये 1 आएगा। अब इसमें स्लैक क्या होगा, स्लैक का मतलब आपको नोड पे देखना है किस में 0 आएगा। जैसे ये 1 - 1 0 है, 4 - 4 0, 11 - 11 0, 20 - 20, 30 - 30, ये 0 आ रहा है, मतलब ये क्रिटिकल एक्टिविटी होगी और ये जो पाथ होगा ये कहलाएगा क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो पहली वाली मेथड ज़्यादा इजी थी, आप ऐड करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। फॉर एन एक्टिविटी आई जे द अर्ली इवेंट टाइम्स एट आई एंड जे एंड द लेट इवेंट टाइम्स एट आई एंड जे रिस्पेक्टिवली आर 5, 24, 9 and 29। एक्टिविटी आई जे, ये जे ये आई, या तो हम एक्टिविटी आई जे बोल सकते हैं या इसी का अगर नाम अपन दे दे तो एक्टिविटी ए। ठीक है, अब इसके अर्ली इवेंट टाइम्स और लेट इवेंट टाइम्स ये आपको गिवन है। ठीक है, अर्ली इवेंट टाइम क्या है 5 और 24, मतलब 5 डेज़ पे ये स्टार्ट होगी एक्टिविटी और अर्ली जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी 24 डेज़ में। लेट स्टार्ट होगी 9 डेज़ और लेट फिनिश होगी 29 डेज़ में। द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज 6 डे, इसका ड्यूरेशन है 6 दिन। अब यहाँ पर आपको फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, इंटरफेरेंस फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है। तो ये हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में, यहाँ पर हम देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट इंडिकेट्स द टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। किसी एक्टिविटी को हम कितना लेट स्टार्ट करें या कितना जल्दी फिनिश करें, लेट फिनिश करें, उसके टाइम को डिले करना एक्टिविटी के, बट प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो अफेक्ट ना हो, उस फ्लोट को हम कहेंगे फ्लोट। ठीक है, वो जो डिले होगा टाइम उसको कहा जाता है फ्लोट। पहला टाइप होता है टोटल फ्लोट। ये डिफरेंस होगा बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। जैसे समझते हैं यहाँ पर एक्टिविटी आई जे, ठीक है, ये अर्ली इवेंट टाइम है 5 डेज़, अर्ली स्टार्टिंग टाइम है, अर्ली फिनिशिंग टाइम 24 डेज़, लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम 9 and 29 डेज़, एक्टिविटी ड्यूरेशन 6 डेज़। टोटल फ्लोट के लिए लेट से लेट ये फिनिश हो जाएगी 29 डेज़ में, जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो इस एक्टिविटी को 5 डेज़ में। तो आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है? 29 - 5 मीन्स 24 डेज़। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम है 24 डेज़ और एक्टिविटी कंप्लीट होगी 6 डे में। 6 डेज़ में कंप्लीट होगी, माइनस कर देंगे 6 डेज़, तो ये आ जाएगा 18 डेज़। टोटल फ्लोट कितना हो गया? 18 दिन। इसका मतलब हुआ कि एक्टिविटी आई जे को आप 18 डेज़ डिले कर सकते हो। तो टोटल फ्लोट में आ जाएगा 18 डेज़ मीन्स 4। ठीक है, तो बी में होगा 4। दो ऑप्शन हो सकते हैं। फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट का मतलब होगा टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है ना, वो डिले ना हो, विदाउट अफेक्टिंग, उसके टाइम को अफेक्ट ना करें, वो होगा फ्री फ्लोट। ठीक है, तो सक्सीडिंग एक्टिविटी मतलब जो बाद वाली एक्टिविटी उसको हम कहते हैं सक्सीडिंग एक्टिविटी, और जो पहले वाली एक्टिविटी होती उसको हम कहते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सक्सीडिंग एक्टिविटी, ये वाली सक्सीडिंग एक्टिविटी होगी। तो इस सक्सीडिंग एक्टिविटी को हम डिले ना करें, मतलब ये जितना जल्दी स्टार्ट हो सकती है उसको होने दो स्टार्ट। मतलब ये जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट होगी? 24 डेज़ में, ये नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है। ठीक है, तो टाइम कितना अवेलेबल है? 24 - 5, 24 - 5, और उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 6 डेज़, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 13 डेज़। फ्री फ्लोट होगा 13 डेज़। इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब हो जाएगा टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड व्हेन ऑल द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एज लेट एज पॉसिबल एंड ऑल सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग बोथ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज़। मतलब प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, मतलब इससे पहले वाली जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये भी डिले ना हो और उसके बाद वाली भी डिले ना हो, दोनों के टाइम में हम इफ़ेक्ट ना करें, उसको डिले ना करें, तो वो हो जाएगा यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोट। कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको फॉर्मूले से। ठीक है, ये सक्सीडिंग एक्टिविटी है। सक्सीडिंग एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट कर सकते 24 डेज में, ठीक है। और ये प्रिसाइडिंग एक्टिविटी है, इसको लेट से लेट फिनिश किया जा सकता है 9 डेज में, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी आई जे है ये लेट से लेट स्टार्ट होगी 9 डेज में। इसका मतलब इससे पहले वाली जो एक्टिविटी है वो 9 डेज में कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो ये कितना आ जाएगा 9 डेज। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फ्लोट, तो ये सिंपल है, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का डिफरेंस होगा 5 डेज। ये भी पूछ लेते फॉर्मूला, इंटरफेरेंस फ्लोट, ये एमपीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा था, डिफरेंस होता है टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्री फ्लोट 13, टोटल फ्लोट 18, इंटरफेरेंस फ्लोट 5 एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट 9। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।